नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के ऊपर आप कौन सा उपाय करके बेहद प्रचंड वशीकरण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर चल रही है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शिव के सबसे बड़े पर्व के दिन, आप किस प्रकार से प्रचंड और ताकतवर वशीकरण कर सकते हो। मित्रों, विशेष मुहूर्त में किया गया कोई भी पूजा, कोई भी उपाय 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देता है। तो अगर आपने ये विधि वशीकरण की विशेष मुहूर्त में, यानी महाशिवरात्रि के मुहूर्त में कर ली, तो आपको 10 गुना ज्यादा पावरफुल वशीकरण मिलेगा। आपका प्यार आपका इतना गुलाम हो जाएगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और जीवन भर के लिए आपका बन के रहेगा। गारंटी है हमारी, वशीकरण होकर रहेगा। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको अपने प्रेमी का फोटो लेना है। फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए, सामने देखता हुआ फोटो होना चाहिए। भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, ये आपको 5 से 10 रुपए में किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। छोटा भोजपत्र का टुकड़ा आपको लेना है। लाल कलर का मार्कर और काले कलर का धागा, ये 4 प्रकार की चीजें आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि का समय रहेगा महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 दिन के समय में। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि करनी है। अपने सम्मुख सामग्री रखनी है और सर्वप्रथम जो भोजपत्र आप लेकर आए हो उसके ऊपर आपको एक वशीकरण यंत्र का निर्माण करना है। सबसे पहले आपको भोजपत्र पर लिखना है श्री मोहिनी वशीकरण यंत्र। इस प्रकार से आपको लिखना है श्री मोहिनी वशीकरण यंत्र। उसके पश्चात आप लिखोगे श्रीम ओम श्रीम। इस प्रकार से आपको लिखना है श्रीम ओम श्रीम। और उसके बाद आपको लिखना है एक मंत्र, ओम श्रीम रीम मोहिनी वशीकरण कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप तीसरी लाइन में लिखोगे ओम श्रीम रीम मोहिनी वशीकरण कुरु स्वाहा। इस प्रकार से अब यहां पर अपने को एक यंत्र बनाना है। तो यंत्र बनाने के लिए आपको 2 बॉक्स का बनाना पड़ेगा, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको एक बड़ा बॉक्स बनाना है और फिर यहां से कोण देते हुए आपको एक छोटा बॉक्स अंदर बनाना है। इस प्रकार से आपको तैयार करना है। यहां पर आपको लिखना है हिंदी वर्णमाला में जो हिंदी गणित होती है उसका 7 9 6 3। अगर आपको हिंदी गणित नहीं आती है तो आप जैसे हमने आकृति बनाई है वैसे करें, आप एकदम सही वशीकरण करोगे। फिर यहां पर आपको इस प्रकार से 4 त्रिभुज बनाकर 2 1 4 7, इस प्रकार से आपको पूरा यंत्र तैयार कर लेना है। ये यंत्र और मंत्र आपको इसमें लिखने हैं और आपको इसे तैयार कर लेना है, इस तथ्य को। फिर उसके बाद आपने जो फोटो ली है अपने प्रेमी की, उस फोटो को आपको जला लेना है और उसकी राख यहां पर आपको बीच में डाल लेनी है। इस प्रकार से राख बनाकर आपको इस यंत्र के बीचों बीच अपने प्रेमी की फोटो की जो राख आपने बनाई है उसे डालकर इसे फोल्ड कर लेना है। बेहद प्रामाणिक वशीकरण है, बेहद ताकतवर वशीकरण का उपाय है जो बहुत ही ताकतवर मुहूर्त पे होता है। इसके पश्चात आपको काले धागे से इसे बांधना है। काले धागे से इस प्रकार से बांधना है कि इसके दोनों जो सिरे हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक रहें ताकि अपन इसे मंदिर में जाके बांध सके। इस प्रकार से आपको दोनों सिरे थोड़े बड़े रखने हैं। इस प्रकार से काले धागे से आपको इसे बांध लेना है और उसी वक्त जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे आपको इसे अभिमंत्रित करना है। जैसे ही आप इसे कंप्लीट करोगे वैसे ही आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और वही मंत्र जो आपने इस यंत्र में लिखा है वही मंत्र बोलना है, ओम श्रीम रीम मोहिनी वशीकरण कुरु स्वाहा, ओम श्रीम रीम मोहिनी वशीकरण कुरु स्वाहा। ये मंत्र 108 बार बोलकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर कहीं पर भी मंदिर प्रांगण में इसे बांध देना है और अपने घर पे आ जाना है। इतना ही काम आपको करना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया और जैसे हमने बताया है वैसे कर लिया तो गारंटी है हमारी, आपका प्रेमी 10 गुना ज्यादा आपसे प्यार करने लगेगा, 10 गुना ज्यादा वशीकरण का असर उसके ऊपर होगा और वो पूरी तरीके से आपका गुलाम हो जाएगा। अगर दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो ये महाशिवरात्रि का मौका अपने हाथ से मत जाने देना। आपका पति या पत्नी हमेशा के लिए आपके बनके रहेंगे। जैसे आप उनके लिए रोते हो, उनके लिए तड़पते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए रोने तड़पने लगेंगे। अगर आपका प्यार शादी के लिए मना करता है तो आप ये विधि करिए, आपका प्यार हमेशा के लिए आपका बनके रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगे।
मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।